तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने ही YouTube चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में हमेशा की तरह। तो जैसा कि यहाँ पर आपने वीडियो के टाइटल पर देखा कि पाई नेटवर्क के KYC के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो KYC में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि KYC करने का जो सिस्टम आया है उस तरीके से आपने KYC की होगी, आप एंड तक पहुँच गए होंगे, ठीक है, एंड तक पहुंच गए होंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो बंदे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक जो हमारा जो कॉन्टेंट है हमारा यूट्यूब का, वो कॉन्टेंट ये है कि हम क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप तक प्रोवाइड कराते हैं, और बाकी ट्रेडिंग को किस तरह से सीखना है, ट्रेडिंग सीखने में आपकी मदद करते हैं, आपको चार्ट पर पैटर्न्स वगैरह, ट्रेंड या किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है सही तरह से, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल का मकसद यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाना और समझाना, ठीक है। देखिए, अगर क्रिप्टो करेंसी में आपको अर्निंग करनी है या फिर आपको स्टॉक मार्केट में अर्निंग करनी है या फॉरेक्स में अर्निंग करनी है, तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग पर ही फोकस करना होगा, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों पिछला वीडियो मैंने पाई के बारे में, ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाले हैं, दो वीडियो डाले हैं, और दोनों वीडियो में दोस्तों मैंने एक चीज़ पर फोकस कराया है कि आपके मोबाइल का डेटा सेफ रहे। तो वहाँ पर मैंने किसी, देखिए मैंने पाई नेटवर्क को बुरा नहीं बोला है, मैंने पाई नेटवर्क के जो उनका जो काम करने का तरीका है उसको बुरा नहीं बोला है, मैंने सिर्फ सिंपल सी एक बात की है कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा मैंने वहाँ पर कुछ नहीं बोला है। मैंने ये नहीं बोला है कि ये एक स्कैम है या इस तरीके से आपको झांसे में लिया जा रहा है या वो किया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने सिर्फ एज इट इज़ ये बोला है कि जिस मोबाइल पर आपका ज़रूरी डेटा हो उस मोबाइल पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें, ठीक है। इसके अलावा मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इतना ज़्यादा वहाँ पर बुरा लगा था कि उन्होंने निगेटिव कमेंट्स किए और काफ़ी लोगों ने बोला कि आप निगेटिविटी फैला रहे हो। तो भाई, मैं तो सिर्फ आप लोगों को जो तरीका है वो उस तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि एक बंदे ने मुझसे एक कमेंट में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी की थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे बोला था कि वहाँ पर किसी भी तरीके की परमिशन को मांगा नहीं जाता है, ठीक है, परमिशन नहीं मांगी जाती है भाई, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट आप वहाँ पर करते हो। तो अपने डेटा को सुरक्षित रखना है हमें, जिस मोबाइल, देखिए हर व्यक्ति के पास एक से दो मोबाइल होते हैं, एक मोबाइल ऐसा होता है जिस पर वो अपनी सारे काम की चीज़, सारे काम के कॉन्टैक्ट, सारा सब कुछ रखता है, ठीक है। और डेटा का कितना बड़ा कस्टमर बेस है ये आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करके देख सकते हो कितना बड़ा कस्टमर बेस है। तो यहाँ पर मैं पाई नेटवर्क की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फ्री में अगर पाई नेटवर्क पर माइनिंग होती है तो आप करो, लेकिन माइनिंग तो दोस्तों वहाँ पर होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि माइनिंग नहीं होती है पाई नेटवर्क पर, जो आप नंबर्स देखते हो कि आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, पाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो वो माइनिंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ नंबर्स बढ़ रहे हैं, माइनिंग नहीं हो रही है, वो नोट्स के जरिए नंबर आपको बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद उसका विड्रॉल किस तरह से होगा वो आने वाला टाइम बताएगा। मैंने बोला कि मैन जो मेन नेट इसका आएगा Phase 3, वहाँ पर डिसाइड होगा इसका प्राइस, पाई नेटवर्क का जो प्राइस होगा वो डिसाइड होगा, और उसके अलावा पाई नेटवर्क का विड्रॉल कैसे होगा, किस किस एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा, वहाँ पर डिसाइड होगा। देखिए, यहाँ सिंपल से आसान शब्दों में समझाता हूँ, जैसे कि खेत होता है, खेत में किसान काम करता है, फसल उगाता है, तो वो फसल की कीमत जब तक नहीं होती है, जब तक वो मंडी तक ना पहुँचे, जब तक वो बाज़ार तक ना पहुँचे, जब तक वो थोक बाज़ार तक ना पहुँचे, तो बस क्रिप्टो करेंसी का भी इसी तरीके से होता है कि जो कि नई क्रिप्टो करेंसी आती है वो जब तक एक्सचेंजेस पर जाकर लिस्टेड नहीं होती है, जब तक वहाँ पर उसका कोई भी प्राइस नहीं होता है, वहाँ पर ही उसका प्राइस डिसाइड होता है, और उसके बाद प्राइस पंप डंप ऊपर नीचे सब करता है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, मुझको क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर बोल रहा हूँ कि पाई की आप देखिए कर रहे हैं, करिए उसको, अपने नीचे जो अपलाइन और डाउनलाइन वहाँ पर सिस्टम, जो MLM स्कीम का जो पिरामिड सिस्टम दिया गया है, देखिए अगर बेसिकली अगर मेरी पर्सनल बात करेंगे तो मुझे पिरामिड सिस्टम जो प्लान्स होते हैं या MLM जो स्कीम्स होती हैं मुझे बहुत ख़राब लगती हैं, ठीक है, मैं उसमें बिल्कुल पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ देना नहीं है, यहाँ पर जो जो मेन फैक्टर है, जो अच्छी चीज़ बोली जा सकती है, वो ये है कि यहाँ पर आपको कुछ देना नहीं, सिर्फ अपने फ़ोन पर ही आपको माइन करना है, ठीक है।
उसके अलावा दोस्तों अब आते हैं केवाईसी पर। केवाईसी में देखिए होता यह है कि केवाईसी में इन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। अब यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, योटी, ठीक है, उसके ज़रिए आपकी केवाईसी होगी। मैंने ये देखा कि काफ़ी सारा प्रोसीजर पूरा करने के बाद उसके बाद लास्ट टाइम पर आप ऊपर के साइड फ़ोटो देखिएगा कि लास्ट टाइम पर यहाँ पर इसमें दो नाम दिए हुए हैं कि यहाँ पर आपको एड मिसिंग डिटेल के नाम से कॉलम आ जाता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है, और उसमें जो मांगा जाता है उसमें लिखा होता है, पहला आप देख सकते हो ऊपर गिवन नेम्स, ठीक है, उसके नीचे फैमिली नेम। अब आप ये बताओ कि आधार, अगर आप अब मेरा आधार ले रहे हो तो आधार में कौन सा कॉलम ऐसा होता है जहाँ पर गिवन नेम या आपका फैमिली नेम का वहाँ पर कुछ कॉलम वगैरह रहता हो, तो वहाँ पर तो ओरिजिनल नेम ही चलता है ना। तो दोस्तों ये तो मुझे फंडा ही नहीं समझ में आया कि सारा सब कुछ मैंने आपको दे दिया, अपना आधार भी आपको डाउनलोड कर दिया, अब आप हमको ये जो चीज़ मांग रहे हो मुझसे, ये दोस्तों मेरे समझ के बाहर है कि हम देखिए आधार उनको डाउनलोड हो जाने के बाद आपकी ज़रूरी आपका नाम पता टेलीफोन नंबर आपका आधार, ठीक है, ये डाउनलोड उनके पास चला गया, आपने उसको अपलोड कर दिया, उनके पास जाके वो डाउनलोड हो गया, ठीक है, उसके बाद इस तरह का कॉलम देना मेरी समझ के बाहर है दोस्तों। मुझे नहीं समझ में आ रही ये चीज़, 100% मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। इसका वो क्या सोल्यूशन निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, क्या है वो, तो उसको चक्कर ये है कि देखिए अगर यहाँ पर काफ़ी बंदों ने मेल्स भी किए होंगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका जवाब मिला होगा तो वो बताया कि यूट्यूब पर कि क्योंकि काफ़ी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं पाई को काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ये जो आप पिक्चर ऊपर देख रहे हो इसका फंडा दोस्तों मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें नाम एक्चुअली भरना क्या है। अब देखिए मेरा नाम है मोहम्मद निज़ाम, तो मेरे जो आधार कार्ड है उस पर मेरा नाम है मोहम्मद निज़ाम, मेरा जो पैन कार्ड है उस पर भी मेरा यही नाम है, मेरे DL पर वही नाम है, मेरी जितने भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं सब पे मेरा वही नाम है, किसी भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में, और मेरे ख्याल से ये इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं किसी में भी इस तरीके का फैमिली नेम और गिवन नेम्स वगैरह का कोई कॉलम आता नहीं है। और थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन से आप उसको वेरिफिकेशन करा रहे हो, ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो दो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं दोस्तों, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, किसी को भी अगर इस चीज़ का बुरा लगता है तो वो वीडियो को बंद कर सकता है और निगेटिव कमेंट करना चाहे कर सकता है, बिल्कुल वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं देखूंगा ज़्यादा ही निगेटिव कमेंट्स है या ज़्यादा आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, दैट्स इट, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे 5 साल हो गए क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से कब क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है दोस्तों। यहाँ पर मैं अभी भी पाई नेटवर्क को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 जो PhD होल्डर्स हैं उन्होंने इसको क्रिएट किया है, क्या उनकी मंशा है बिटकॉइन से, जो मदर क्रिप्टोकरेंसी है वर्ल्ड की, जहाँ से क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत ही हुई है, जहाँ से लोग क्रिप्टोकरेंसी को जानना शुरू किए हैं, उससे इसकी मेल मिला रहे हैं, उससे इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए एथेरियम वर्ल्ड की 2nd रैंकिंग कॉइन है, वो आज तक बिटकॉइन की टक्कर नहीं ले पाया, लेकिन अगर कोई ले सकता है बिटकॉइन की टक्कर तो वो एथेरियम है, ठीक है। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सामने दिखाई पड़ता है, उनकी जो कॉइन में जो एथेरियम कॉइन में दम खम है वो दिखाई पड़ता है, जो उनकी डोमिनेंस है यानी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भागीदारी वो दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि एथेरियम कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे KYC के अकॉर्डिंग जो ये जो पिक्चर्स लास्ट में सब आप सब कुछ अपना देने के बाद आपके हाथ क्या लगा, कि वही दोस्तों मुझे मिसाल यहाँ पर समझ में आती कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारा आना। तो बस यहाँ पर ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोगों पर मैं थोप नहीं रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे जिसको मेरी बात अच्छी लगे वो अपने अंदर ऑब्जर्व करे, इसको सोचे, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों कुछ भी करिए और तो थोड़ा सा सोच समझ के करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और मशवरे में खैर बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि मशवरे में खैर होता है, कि अगर एडवाइस आप 4 लोगों 10 लोगों के साथ एडवाइस करो तो अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्त यारों के साथ तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ हमें समझ में नहीं आता है लेकिन सामने वाले के दिमाग में अचानक से वो बात आ जाती है जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इस चीज़ को समझिएगा, मोटिवेशनल वीडियो है पाइकन नेटवर्क का, यहाँ पर KYC वगैरह के बारे में मैंने जो भी बताया है, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो है, तो थोड़ा इसको
समझने की कोशिश करिएगा। मैंने पिछले जो दो वीडियो पाई के बारे में डाले हैं उसमें भी मैंने कुछ इसी तरीके की बताने की कोशिश की है जो आप लोग समझ नहीं पाए, जिसका काफ़ी लोगों को, हालांकि काफ़ी लोगों ने समझा उसको, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखे और काफ़ी लोगों ने उसको समझा पॉजिटिव तरीके से, तो उनको समझ में आया कि हाँ कि मेरी बात ठीक है कि नहीं है। और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर दिए, बहसबाजी शुरू कर दी, और कुछ ने डायरेक्टली अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कुछ ने थोड़ा सा प्यार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो दोस्तों मुझे कोई ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फैक्ट है वो मैं बोलूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पाई को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं पाई की निगेटिविटी फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ पाई नेटवर्क की, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि मुझे जो चीज़ नहीं समझ में आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा जिन जिन बंदों ने KYC की होगी तो लास्ट टाइम में सब कुछ करने के बाद वहाँ पर उनको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। तो चलिए दोस्तों मुझको इजाज़त दीजिए, चलता हूँ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।